हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ, और प्रूफ भी आप लोग देख सकते हैं जिससे आपको भरोसा हो जाए। और कैसे क्या करना है, सारी बातों को इस वीडियो में मैं बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो वैसे लोगों के लिए है जो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। हालांकि पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, और वो भी अगर बिहार शिक्षक बहाली में भाग लेना चाहते हैं और उनका उतना मार्क्स है जितना बिहार TET जो होता है उसमें पास करने के लिए जितना मार्क्स निर्धारित किया गया है, उतना मार्क्स अगर CTET में भी आता है तो उनकी बहाली होती है। तो 2012 में जो नियमावली बनी थी शिक्षक बहाली की, उस समय न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया था कि CTET में भी जिनका उतना मार्क्स है, जितना मार्क्स निर्धारित किया गया है बिहार TET में, तो उतना अगर आता है तो उनको ले लिया जाएगा शिक्षक बहाली में। हालांकि ये 2012 की बात है, 2012 में जब उस समय बहाली हुई थी तो उस समय ऐसा किया गया था। तो उस समय हमारे यहाँ TET पास लोगों का, शिक्षकों का कमी भी था, लेकिन यहाँ है क्या कि नियमावली 2012 वाली ही है, नियमावली 2012 पे ही बहाली हो रही है। तो जो भी नियम है वो पहले वाला ही होगा, बस एक चीज़ ऐड कर दिया गया है कि BEd पहले 1-5 के लिए नहीं थे एलिजिबल, अब 1-5 के लिए BEd भी एलिजिबल हो गया है। बस इतना ही सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं शर्त नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के तहत नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के संबंध में, महाशय आप अवगत हैं कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में नियमित न्यूनतम योग्यता उप नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट है, जिसके तहत शिक्षक पद पर अभ्यर्थी के नियोजन हेतु उन्हें केंद्र अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, केंद्र स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा CBSE दिल्ली द्वारा ली जाती है, जिसके तहत न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं। यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अपने आरक्षण नियम के अनुरूप उक्त न्यूनतम निर्धारित अंक में को आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यकता अनुसार कम कर सकती है। बिहार राज्य अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा संचालित करने के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को अधिकृत किया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्धारित मापदंड के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवार के लिए 55% अंक लाना जो है आवश्यक है। ठीक है, तो सरकार के निर्णयानुसार यह छूट CTET उत्तीर्ण उक्त कोटि के अभ्यर्थी पर भी लागू होगी। एतद संबंधी स्पष्टीकरण संबंधित नियोजन इकाई को भी दे दी जाए। यह 2012 का ही लेटर है, जब बिहार में शिक्षा की बहाली हो रही थी, जब बिहार TET 2011 में हुआ था उस समय का ही ये लेटर है। तो उस समय जो SC ST है उनके लिए निर्धारित योग्यता था 55%। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि उस समय यह 55% था और जनरल कैटेगरी के लिए 60% था। महिलाओं के लिए, निःशक्त कोटि के जो विकलांग थे उनके लिए भी, सबके लिए 55% निर्धारित किया गया था। लेकिन अब इसको घटा के जो निःशक्त है, अनुसूचित जाति जनजाति है, उनके लिए 50% ही 2017 में उसको कर दिया गया है। तो अब देखना है कि इस बार क्या होता है, कितने परसेंट पे लिया जाता है, क्योंकि यह लेटर जो है ये पहले का है, तो इसलिए वेट करना है। और आप लोग कहते हो हमेशा मेरे से कमेंट में कि मैम ऐसा कैसे होगा, अगर हमारे पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो उस समय जब
2012 या इधर इस पिछली बार से जब 16 में इसका एग्ज़ाम हुआ है, 18 में सीटेट का, तो उस समय से डीजी लॉकर में डाला जाने लगा है और सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग दिया जाने लगा है। पहले एक ही मार्कशीट होता था, अब मार्कशीट पे क्वालिफाई लिखा हुआ नहीं रहता है, सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहता है क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाइड, लेकिन उस समय मार्कशीट पे ही लिखा हुआ रहता था। मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी पहले वाला सीटेट का मार्कशीट जो मेरा है, तो उस पर क्वालिफाइड लिखा हुआ रहता था, ठीक है। तो उस समय सर्टिफिकेट नहीं हुआ करता था, लेकिन जब बहाली के लिए फॉर्म आ जाएगा मार्केट में तो उस पर सब कुछ दिया गया रहता है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और कोई भी बात बिहार शिक्षक बहाली को लेकर आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं उसका समाधान करूँगी। और वैसे भी बिहार शिक्षक बहाली पे ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखे होइएगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।